गुड मॉर्निंग बच्चे, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, ठीक है। नाउ इसी के साथ मैं अपना दूसरा चैप्टर जो हमने ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड डे बिफोर यस्टरडे ओनली, परसों हमने स्टार्ट किया था और कल भी मैंने वो पढ़ाया था। तो आज हम आए हैं कॉपी के साथ, कॉपी वर्क के साथ, चैप्टर टू कॉमन नाउन। कॉमन नाउन हमने आपको बताया था जो हम कॉमनली जनरली यूज करते हैं किसी ग्रुप में, जैसे फ्रेंड्स, टीचर्स, सिटीज एटसेट्रा। ओके, नाउ लुक एट दिस वंस अगेन गाइस। नेमिंग वर्ड्स आर आल्सो कॉल्ड नाउन। नेम ऑफ पर्सन, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स आर ऑल नाउन्स। नाउन कैन बी ऑफ जनरल नेम्स ऑफ थिंग्स, सच जनरल नेम आर कॉल्ड कॉमन नाउन। यहाँ पे एग्जाम्पल है स्कूल, बॉय, एनिमल, टाइगर, काउ, ब्रदर। इसके अलावा भी आपको जो समझ में आए, आप किसी भी कॉमन नेम को आप रिमाइंड डाल के अपने दिमाग में बिठा सकते हो, ठीक है। बहुत सारे वर्ड्स इस टाइप के कॉमन नाउन होते हैं, ठीक है। नाउ ये मैंने आपको सब करवा ही दिया था एक्सरसाइज, राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग इन द, ये सब मैंने आपको करवा दिया था डे बिफोर यस्टरडे, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपको ये होमवर्क दिया था एक्सरसाइज वन, इसमें मैंने आपको बोला था 10 जानवरों के नाम लिखने के लिए अलका एंड आनंद जो है वो जू गए थे और 10 जानवरों के नाम आपको लिखना था जो उन्होंने जू में देखा था। तो ये सब मैंने आपको आंसर बता दिया था। तो टुडे आई एम प्रेजेंट हियर विद कॉपी वर्क ऑल्सो, इसी का मैंने कॉपी में आपको बताया है। देखिए ध्यान से, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज टेक आउट योर इंग्लिश कॉपी इफ यू हैव, इफ यू डोंट हैव देन आल्सो डोंट वरी। सबसे पहले आप अपनी इंग्लिश कॉपी लीजिए, स्कूल की इंग्लिश कॉपी है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो आप अपनी रफ कॉपी में लिखिएगा डेट चैप्टर टू कॉमन नाउन। ओके, कॉमन नाउन कैन बी ऑफ जनरल नेम्स ऑफ थिंग्स, एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, टीचर्स, फ्लावर्स, और भी बहुत सारे हैं, मैंने तीन लिखा है, और भी बहुत सारे वर्ड्स कॉमन नाउन हो सकते हैं, जैसे फ्रेंड्स, किड्स, चिल्ड्रन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ऑल गाइस। ओके, नाउ उस एक्सरसाइज का जो मैंने ये वाला एक्सरसाइज आपको ये जो दिया था एक्सरसाइज होमवर्क करने के लिए 10 जानवरों के नाम लिखने के लिए, ये आपने किया ही होगा, मैंने आपको कल भी इसका आंसर बताया था और आज फिर मैं कॉपी में लिख के आपको बता रही हूँ, आप मिला लीजिएगा। एक्सरसाइज नंबर वन में है पिकॉक, ईगल, बियर, लॉयन, टाइगर, फॉक्स, ऑक्स। फॉक्स में ऑक्स भी इंक्लूड हो सकता है, ऑक्स मतलब बैल और फॉक्स तो जान ही रहे हो आप। डियर, स्नेक्स, क्रेन, जिराफ, कैमल, एलिफेंट। वंस अगेन आई रिपीट, आई हैव गॉट दिस 12 एनिमल्स, पिकॉक, ईगल, बियर, लायन, टाइगर, फॉक्स, ऑक्स, डियर, स्नेक्स, क्रेन, जिराफ, कैमल, एलिफेंट। दिस 12 नेम्स आई हैव गॉट। अगर आपको इसके अलावा कुछ और भी नाम अगर इसमें मिले तो आप तो प्रॉब्लम नहीं है, आप लिख सकते हो, ठीक है। मुझे 12 मिले हैं। उसके बाद गाइस ये सब तो मैंने आपको करवा ही दिया था। नाउ टर्न द पेज, दिस आल्सो वी हैव डन ऑलरेडी यस्टरडे ओनली। जो मैंने ये सब जो सेम नेम है लेकिन इनसे जो डिफरेंट है, अलग हट के है, उसमें सर्कल करना था, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। ये सारे कॉमन नाउन हो गए, इन सब में हट के जो, जैसे कि शूज, सॉक्स, हैन, सैंडल्स, ये सब पैरों में पहनने के लिए है, लेकिन ये जो है वो मुर्गी यानी कि जानवर का नाम है, ठीक है। तो इसी तरीके से सब में आपको सर्कल करना था जो भी सबसे डिफरेंट अलग हटके, ठीक है। अब हम पार्ट्स ऑफ बॉडी, नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ बॉडी, देखिए ध्यान से, ये मैंने आपको बोला था कि आप पेरेंट्स की हेल्प से भी कर सकते हो और आज मैं आपको इसका आंसर के साथ आई हूँ। देखिए ध्यान से, इसे टीथ कहते हैं, ये जो पोर्शन है टीथ, इसे सोल्जर कंधा, दिस इज कॉल्ड चेस्ट छाती, इसे हम बेली कहते हैं, स्टोमक भी कहते हैं, पेट, ठीक है। इसे हम कहते हैं पाम, दिस इज कॉल्ड नेल्स, ये जो है नाखून, नेल्स। दिस इज कॉल्ड नी, घुटना, पैर का घुटना। इसे एंकल कहते हैं, जो पैर के पीछे, फुट के पीछे वाला जो पोर्शन है, तो उसे हम एंकल कहते हैं, ठीक है। अब यहां देखिए, इसे बाल, इसे नोज, थ्रोट यानी ये गला, आर्म यानी बांह, हैंड, रिस्ट वॉच जो आप पहनते हो हाथ में, कलाई, कलाई घड़ी, इसी जगह पर पहनते हो ना कलाई, इसे कलाई कहते हैं, रिस्ट, ठीक है। इसे फिंगर्स, इसे लेग, इसे फुट एंड दिस इज टू। वंस अगेन आई रिपीट, ध्यान से देखिएगा,
टिथ सोल्जर चेस्ट बेली स्टोमक पाम नेल्स नी एंकल हेयर नोज थ्रोट आर्म हैंड रिस्ट फिंगर लेग फुट ये हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी आपके, ध्यान से देखिएगा। इसी तरीके की ये भी आपको पार्ट्स ऑफ बॉडी यहाँ पर भी देखिए, सिर्फ ये पार्ट्स ऑफ बॉडी नहीं है, ये पार्ट्स ऑफ बॉडी, ये फेस के नाम है। देखिए ध्यान से, इसे हम हेयर बाल, इसे हम टिथ, दिस इज लिप होंठ, ये चिन जो है हमारे यहाँ का जो नीचे वाला पोर्शन होता है इसे हम चिन कहते हैं, ठीक है। और इसे तो गला, नेक, फोरहेड, इसको जो हम कहते हैं जो पोर्शन रहता है बाल के नीचे और आईब्रो के ऊपर वाला पोर्शन रहता है फोरहेड कहते हैं, माथा, जिसे आप हिंदी में माथा कहते हो। और इससे हम आईब्रो कहते हैं, ये जो पोर्शन है इसे हम आईब्रो कहते हैं। ये तो पता है आंख, ये पता है कान, नोज, इसे चिक कहते हैं, सी एच डबल ई के, सी एच डबल ई के, चिक मतलब गाल, ये जो दोनों गाल होते हैं हमारे, चिक। इसे टंग, जीभ, टी ओ एन जी ओ ई, टंग, ठीक है। वंस अगेन आई रिपीट, देखिए ध्यान से, हेयर, टिथ, लिप्स, चिन, नेक, फॉरहेड, आईब्रो, आई, ईयर, नोज, चिक, टंग। देखिए ध्यान से, ये चिन है यानी कि सबसे नीचे वाला पोर्शन, ये फेस के नीचे, लेकिन ये चिक है यानी गाल, ठीक है। दोनों में बहुत फर्क है, सी एच आई एन चिन, सी एच डबल ई के चिक। उसके बाद ये भी मैंने आपको कल होमवर्क बता ही दिया था, राशि इज द डॉटर ऑफ मिस्टर एंड मिसेज जॉर्ज, ध्यान से देख लीजिए एक बार फिर से आप देख लीजिए इसे। राशि इज द डॉटर ऑफ मिस्टर एंड मिसेज जॉर्ज, रॉब इज द सन, मिस्टर जॉर्ज इज द फादर, मिसेज जॉर्ज इज मदर, रॉब इज राशि इज ब्रदर, राशि इज रॉब सिस्टर, मिस्टर जॉर्ज इज द हस्बैंड, मिसेज जॉर्ज इज द वाइफ। ये मैंने आपको नंबरिंग भी यहाँ पे करवा दिया था और फिर आंसर भी लिख दिया था, ठीक है। ये भी आपने क्या ही होगा, दिस व्हाट आई हैव गिवन यू यस्टरडे। इसमें आई स्लीप इन माय बेडरूम, आप बेडरूम में सोते हो तो यहाँ पे लिखना है बेडरूम। आई डू माय होमवर्क इन माय स्टडी रूम, आप अपने स्टडी रूम में ही पढ़ते हो, होमवर्क करते हो तो स्टडी रूम। आई कुक डिनर इन द किचन, किचन में खाना बनाते हुए तो मम्मी लोग आपकी किचन में खाना बनाती हैं। और उसके बाद वी मीट आर गेस्ट इन द गेस्ट रूम, हम अपने मेहमानों से गेस्ट रूम में मिलते हैं। वी हैव डिनर इन द डाइनिंग रूम या डाइनिंग हॉल, डाइनिंग हॉल में या डाइनिंग रूम में ही हम खाना खाते हैं। आई ब्रश माई टीथ इन द वॉशरूम, आप अपना ब्रश करते हो, फेस वॉश करते हो वॉशरूम में या फिर बाथरूम में, ठीक है। वंस अगेन आई रिपीट, ध्यान से देखिए, आई स्लीप इन माई बेडरूम, आई डू माई होमवर्क इन माई स्टडी रूम, आई कुक डिनर इन द किचन, वी हैव डिनर इन द डाइनिंग रूम और डाइनिंग हॉल, We meet our guest in the guest room. I brush my teeth in the washroom. हो गया ये complete. उसके बाद ये था आपको, ये जो है ये मैंने last आपको करवाया था, उसी से देख के ये इसको सही कीजिएगा। ये सब गलत दिया हुआ है, जो गलत है उसके सामने आपको उसके सही नाम लिखना है, जो कि मैंने पीछे करवाया भी था आपको, ठीक है। इसी का देख के आप यहाँ पे इसको सही कर सकते हो। Now this. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड दिस ऑल वर्ड्स वेरी केयरफुली गाइस। उसके बाद इसमें से आपको चुन के यहाँ लिखना था पर्सन, एनिमल्स, प्लेस, थिंग्स। पर्सन के नीचे जो जो है पर्सन लिखना है आपको, जैसे पर्सन में यहाँ पे फार्मर होगा, आपने देखा होगा मैंने फार्मर लिखा है यहाँ पे, फार्मर, बार्बर यानी नाई, फार्मर किसान, ड्राइवर किंग, पुपिल यानी बच्चा। तो ये भी मैंने आपको कल कराया ही था, एनिमल्स के नीचे सिप, रॉबिन, क्रो, ये सब मैंने आपको कल करवाया था, आपको ध्यान होगा, आप ध्यान से एक बार फिर दोबारा देख लीजिए ताकि आपको परेशानी नहीं हो, ठीक है। किताब तो किताब में कीजिए, नहीं है तो कोई नहीं, कॉपी में भी आप कर सकते हो। नाउ दिस इज आवर लेट्स वर्क इन ग्रुप, ये सारे भी वही सारे वर्ड्स हैं, इसमें से भी आपको चुन चुन के इसमें से लिखना है, जिसमें बेडरूम, बेडरूम के नीचे हमारा क्या रहता है, अलार्म क्लॉक, सीट्स यानी चादर, ब्लैंकेट्स, कंबल, पिलो, तकिया, ये सब रहता है बेडरूम में। बाथरूम में हम क्या क्या रखते हैं, मिरर, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, ठीक है। किचन में क्या रहते हैं, किचन में केटल, केतली जो चाय बनाने वाली होती है, स्टोव यानी गैस चूल्हा, सिंक यानी जो बर्तन जिसमें धोते हैं सिंक, फ्राइंग पैन, ठीक है, तो पता ही है। डाइनिंग रूम में रहता है रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज, टी पॉट, डाइनिंग टेबल, डाइनिंग चेयर, ये सब तो डाइनिंग रूम में ही रहता है। नाउ स्टडी रूम में रहता है ग्लोव, बुक केस, रूलर्स, पेंस, ये सब आप स्टडी रूम में रखते हो।
ड्राइंग रूम में रखते हो आप टेलीविजन, कैलेंडर, कारपेट, कुशन, ये सब ड्राइंग रूम में रखते हो, ठीक है। वंस अगेन आई रिपीट, ये सारे वर्ड्स को देख के आपको इनको फुलफिल करना है। बेडरूम में ये सारे इनमें से वर्ड्स, जो भी वर्ड्स जो बेडरूम में रहते हैं वो आपको लिखनी है। मैंने लिखा है यहाँ पे देखिए, अलार्म क्लॉक, सीट्स, ब्लैंकेट्स, पिलो। बाथरूम में मिरर, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट। किचन में केटल, स्टोव, सिंक, फ्राइंग पैन। डाइनिंग रूम में रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज, टीपॉट, डाइनिंग टेबल, डाइनिंग चेयर्स। स्टडी रूम में ग्लोब, बुककेस, रूलर्स, पेंस। एंड फाइनली लास्टली इज ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम में टेलीविजन, कैलेंडर, कारपेट, कुशन। तो ये सारे जो हमने कल भी किया था आज ही मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया है। नाउ दिस इज द लास्ट, यू हैव टू ड्रॉ योर पेरेंट्स पिक्चर। अगर आप ड्रॉ कर सकते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप अपने पेरेंट्स के पिक्चर भी काट के यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो और लिख लोगे। ब्रदर है तो भाई ब्रदर लिखिएगा, सिस्टर है तो सिस्टर लिखिएगा, मदर फादर, मम्मी पापा और सब फैमिली की यहाँ पे फोटोग्राफ बनानी है या फिर पेस्ट करनी है। ड्रॉ कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप पेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। सो दिस चैप्टर ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड। नाउ गाइस दिस इज योर होमवर्क, राइट एटलीस्ट 5 कॉमन नाउन इन योर इंग्लिश कॉपी और रफ कॉपी। अगर आपके पास स्कूल की इंग्लिश कॉपी है तो उसमें 5 कॉमन नाउन लिखिएगा, और अगर नहीं है तो आप अपनी रफ कॉपी में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको कॉमन नाउन के बारे में बता दिया है, चैप्टर एक्सरसाइज 1 का आंसर भी बता दिया है, और मैंने ये होमवर्क दिया आपको, इसे अपनी रफ कॉपी में आप लिख लोगे। कल वापस मैं आपकी आंसर के साथ इस होमवर्क को चेक करने के लिए और रिविजन वर्क के साथ आपके ऑनलाइन रहूंगी। अनलेस एंड अंटिल टेक केयर ऑफ योर गाइस, कीप सेफ, स्टे होम एंड स्टे सेफ।